अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत भूषण पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर प्रमोद कुमार झा ने मानवता का फिर परिचय दिया है। कोरोना काल में जिस तरह मानवता का परिचय दिए थे, एक बार फिर से उत्तर बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवता का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भारी मात्रा में मुंबई से खाद्य पदार्थ का वितरण करवा रहे हैं, जिसमें बिहार के मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा क्षेत्र में मुंबई से अपने मित्र व व्यापारियों से सहयोग लेकर के भारी मात्रा में लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर प्रमोद कुमार झा मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिला के बाबूपाली गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में मुंबई में रहते हैं, तो वही बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के मदद के लिए भाजपा थाने जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष व माजी सरपंच कालेर श्री छत्रपति पाटिल, भाजपा युवा मोर्चा थाने जिला ग्रामीण अध्यक्ष व माजी सरपंच कालेर श्रीधर पाटिल, कालेर माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य श्री संजय पाटिल, भिवंडी पंचायत समिति के माजी सदस्य विनोद मुकादम, कालेर माजी उप सरपंच व विद्यमान सदस्य भरत पाटिल, अतुल पाटिल, महेंद्र पूजानंद पाटिल, पूर्णा सरपंच नितिन पाटिल, कालेर माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य स्नेहा देवेंद्र पाटिल, संदीप विष्णु पाटिल, महेंद्र पिंगड़े, संजय पाल, नीतू दुबे, गोविंद झा के साथ साथ भारी संख्या में अनेकों लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए भारत भूषण पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर प्रमोद कुमार झा ने क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। ये बिहार में जो आपदा आई है उत्तर बिहार में, उसके लिए हम लोग ने कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किए थे। हम लोग ने प्लानिंग किए चार पाँच आदमी मिलकर के, तो इसमें राहत सामग्री जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग ने माल भेजे हुए हैं, एक गाड़ी गया हुआ है सहरसा और पूर्णिया के लिए, और अभी जो जा रहा है ये मधुबनी, मधेपुरा और सुपौल और दरभंगा के लिए जा रहा है। इसमें राहत सामग्री में आपको पोहा है, हम लोग ने ऐसा किट बनाया है, 5 किलो का पोहा है, चूड़ा है, अपने यहाँ चूड़ा बोलता है बिहार में, 5 किलो का चूड़ा है, एक पार्ले बिस्किट है, एक गुड्डे बिस्किट है, और आधा किलो का व्हाइट वाला गुड़ है। इस टाइप का हम लोग ने 6000 किट तैयार किए हैं, और कुछ बच्चे सब के लिए कपड़ा है, बेडशीट है, और कुछ माता और बहन के लिए साड़ी है। साड़ी लगभग आपको 2000 से ऊपर साड़ी होगा, और 4-5 हजार बच्चे का कपड़ा होगा। तो जितना बन पाया हम लोग ने स्थानीय लोगों से, मित्र से, व्यापारी से सहयोग लेकर के ये सारा सामान हम लोग ने एकत्रित किए हैं, और वो माल हम लोग आज लास्ट, आज हम लोग का मेहनत सफल हुआ, और आज हम लोग का गाड़ी जा रहा है। हम लोग ये 28 तारीख से ये काम हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले कुछ छोटे लेवल में हम लोग ने मोतिहारी और चंपारण में भेजे थे, और सीतामढ़ी में, और धीरे धीरे जितना बन पाया, लेकिन आज बड़े पैमाने पे माल जा रहा है। अभी तक हम लोग थोड़ा थोड़ा करके माल हम लोग भेज रहे थे, प्लस 40 क्विंटल, 20 क्विंटल, 30 क्विंटल ऐसा करके भेज रहे थे। आज जो है ना, हम लोग फाइनल बड़े पैमाने पर हम लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन आया, तो आज हम लोग बड़े पैमाने पर भेज रहे हैं। ऐसा देखेंगे तो उत्तर बिहार में आपको सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, लगभग जो कोसी क्षेत्र में जितने भी हैं वो टोटल का टोटल प्रभावित है। और जहाँ हम लोग भी, तो बम्बई में जो हम लोग को रिपोर्ट मिला, ऐसा देखा जाए तो पूरा उत्तर बिहार पूरा डैमेज है। 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, और वो 30 लाख लोग के पास में रहने के लिए न घर बचा हुआ है, न कपड़ा है। एक कपड़ा पहन के जैसे घर से निकले थे, वही टोटल वो हाईवे पे शरण लिए हुए हैं। अरे आस लगा के पड़े हुए हैं, जो कोई कुछ मिल जाए वही उनका का सहारा है। एकदम विकट स्थिति है, बहुत भावुक पल है। तो हम लोग ज्यादा नहीं, जितना बन पाया उतना हम लोग ने प्रयत्न कोशिश किए हैं, जो हम लोगों को बन पाया वही हम लोग किए। चालू नहीं हुआ, ये हमारे सारथी हैं जो राहत पीड़ित परिवार को मुंबई से, महाराष्ट्र से बिहार तक लेके जाएंगे। ये गाड़ी के ये ड्राइवर हैं, ड्राइवर कहना उचित नहीं है, ये सारथी हैं जो पूरा सामान लेकर के सुरक्षित वहाँ पर पहुँचेंगे। ईश्वर से कामना करते हैं जो सुरक्षित बढ़िया से सब कुशल ये वहाँ पहुँचे, और लोगों तक वहाँ तक सहायता पहुँच जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हम आज नाइट 10 बजे निकलेंगे।
ये जाएगा बिहार दरभंगा 3 दिन में, संडे नाइट में।